दिवाली पर पूजा की सही विधि क्या है, शुभ समय कौन सा है, माँ लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें, ये सब अब हम आपको दिखाते हैं। हमारे यहाँ दीपावली पूजन के लिए कहा गया है कि प्रदोषे पूजयन लक्ष्मी अलक्ष्मी भी निवृत्तये। प्रदोष काल में भगवती लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए, क्यों? क्योंकि वो दरिद्रता का नाशक होता है, वह पूजन जो होता है। तो इसलिए हमें प्रदोष काल में भगवती लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। और प्रदोष काल क्या है, तो जो व्यक्ति जहाँ भी है, चाहे वो वाराणसी में हो, बनारस में, काशी में, दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में, या विश्व के किसी भी भाग में हो, वो देख ले कि हमारे यहाँ सनसेट कब हो रहा है, सूर्यास्त कब हो रहा है। उस सूर्यास्त से लेकर के 2 घंटे 24 मिनट का जो काल होगा वो प्रदोष काल होगा। तो सभी लोगों को सूर्यास्त से लेकर के और अगले 2 घंटे 24 मिनट के बीच में उस प्रदोष काल में भगवती लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए, यही सर्वोत्तम और शुभ मुहूर्त होता है। भगवती लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि अनेक स्तोत्र, अनेक वैदिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र, बीज मंत्र बताए गए हैं, तो इनके मंत्रों के और स्तोत्रों के पाठ में शुद्धता की बहुत एक मर्यादा है, शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। तो जो आप शुद्ध शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं उन्हीं मंत्रों का जप करें। अगर कुछ नहीं है तो भगवती लक्ष्मी नमः करें, कुछ भी नहीं है तो आप करें हे भगवती लक्ष्मी आप मैं पूजन कर रहा हूँ आस्था, क्योंकि पितरः वाक्यम् इच्छन्ति भावम् इच्छन्ति देवता। देवता जो होते हैं वो भाव के भूखे होते हैं। दिवाली की पूजा में कलश का विशेष स्थान होता है, लेकिन कलश की स्थापना कैसे होती है, पूजा में कमलगट्टे को क्यों शामिल किया जाना चाहिए, इन सारे सवालों का जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलेगा। शाम को 5 बजे से लेकर के और रात्रि में 3:15 तक, यानी सिंह लगन तक पूजन किया जा सकता है। जो पूजा है, सबसे पहले हम लोगों को कलश की स्थापना करते, जब महालक्ष्मी का पूजन करते, आप देख रहे हैं ये कलश की स्थापना करते हैं, लक्ष्मी गणेश का पूजन किया जाता है, कुबेर देवता का, क्योंकि कुबेर लक्ष्मी जी के खजांची हैं, तो गणेश जी विघ्न के हरता है, इसलिए गणेश जी का पूजन होता, लक्ष्मी जी जिस पर कृपा बरसाती, इसलिए लक्ष्मी का पूजन होता है, और कुबेर का विशेष महत्व होता है, क्योंकि आदमी लाखों में कमाता पर रोकता हजारों में है, तो इससे हमारा जो धन है वह रुकता रहे। कलश का पूजन इसलिए किया जाता है कि हमारे धर्म शास्त्रों में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। आज दिवाली की पूजा के लिए शुभ घड़ी कौन सी है, प्रदोष काल क्या है, और फैक्ट्री दुकानों के लिए पूजा का शुभ मुहूर्त कौन सा है, वो भी आपको हम दिखाते हैं। 31 अक्टूबर को प्रदोष काल में दीपावली पूजन करना और श्रेष्ठ रहेगा। प्रदोष काल शाम को 5:42 से 8:18 तक है, और इसमें वृष लग्न में स्थिर नवमांश जो है कुंभ का, वो 6:45 से 6:59 तक है। ये लगभग 13 मिनट की अवधि है, ये सर्वश्रेष्ठ समय है पूजन का। और इसके साथ ही दिन के अंदर जहां व्यापारी या व्यवसायिक या फैक्ट्रियों के जो पूजन होते हैं उसके लिए दिन में 3:53 से 4:48 तक का समय श्रेष्ठ है।